हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स अर्न विद निशु। और मैं हूँ निशु। सो गाइज, आज हम लोग जा रहे हैं, जहाँ जाने के लिए मैं कोलकाता में आई थी। और यो के पापा सुबह में ही सारा सामान वामान लेके चले गए अपने ऑफिस, और हम लोग वहीं से जाएंगे। मैं और यो देख रही हूँ अभी वहाँ पे कैसे लेटी हुई है। बेटी हाय करो, हाय हाय करो, नहीं करेगी अभी चिपकी हुई है, लेटी नहीं है, चिपकी हुई है, चिपकी हुई है। और सारा बैग लेके चले गए सुबह में। सारा बैग तो नहीं था, बस एक ही था और एक उनका ट्रैकिंग बैग था। तो इसलिए लास्ट में इतना भी सामान छूट गया था और जो सूखा नहीं था तो सारा तो रह गया था। देखिए इन दोनों बैग में, इसमें रियो का रहता है पानी वगैरह दूध वगैरह, और ये मेरा हैंड बैग है। तो इसमें भी मैंने अच्छे से ठूस लिया है, कितना मोटू सा हो गया है। और इसमें भी पूरा अच्छे से एकदम ठूस ठूस के भरा है, मतलब एक इंच भी जगह नहीं है। बहुत ज़्यादा हैवी हो गया हुआ है, क्योंकि इससे ज़्यादा बैग करते तो फिर मैं कैरी नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए अभी मैं जल्दी से कैब बुक कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं रियो को खिला रही हूँ गुड़, और मैं खुद भी खाऊंगी, क्योंकि बाहर कहीं जाने से पहले थोड़ा सा मुंह मीठा कर लेना चाहिए। दही चीनी हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप बस चीनी या फिर गुड़ कुछ भी मीठा में खा सकते हैं। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी से रियो को शूज पहना दूँगी, फिर खुद पहन लूँगी। अभी कैब बुक करनी है, ट्रेन है हम लोग का 5 बजे। कहाँ जाना है? गाड़ी आगे तो ना क्या कहने कहने बाबू, कितना बड़ा मुँह खोल रहे थे, मैं नहीं आ रहा बाबू को हाँ? तो अभी पहले हम लोग जा रहे रियो के पापा के ऑफिस, फिर वहाँ से उनको पिक करेंगे और फिर साथ में स्टेशन जाएंगे। तो देखिए मैंने रियो के पापा को फ़ोन कर दिया था, तो वे बाहर में है खड़े, बैग वैग लेके ही आए थे। और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं स्टेशन पे, रियो के पापा को मिल गए थे रास्ते में। और यहाँ पे देखिए सब लोग मिल गए हैं स्टेशन पे, सब लोग आज ही आए हैं डायरेक्ट घर से हावड़ा स्टेशन पे। और मतलब सब लोग पहली बार जा रहे हैं ना ग्रुप में घूमने, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और ये एक्साइटमेंट ना बहुत पहले से थी, जब से हम लोग का प्लान हुआ था जाने का। और यहाँ पे देखिए सब लोग का लगेज, और अभी सारे बच्चे लोग मतलब बहुत परेशान कर रहे थे। तो यहाँ पे सब लोगों को थोड़ा सा फ़ोन दे दिया गया है कि वे लोग थोड़ा शांति से बैठे रहे कुछ देर नहीं। और हावड़ा स्टेशन से हम लोगों ने लोकल लिया था जाने के लिए, तो अभी लोकल में ही सारे लोग और मतलब जाते वहाँ पहुँचते पहुँचते पूरा जो ट्रेन था हम लोग का जो बोगी था वह पूरा खाली हो गया था। और यो यहाँ पर अपने पापा को बार बार जाके चिप्स खिला रही है और आ रही फिर जाके खिला रही है। और अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ फैब में ही गए थे, तो इसलिए सारे बच्चे लोगों को कैप पे पहना दिया है। मतलब रात का टाइम है तो ठंडी ऑफ कोर्स थोड़ा सा रहेगी, वैसे ज़्यादा ठंडी नहीं थी दिन में। ट्रेन खुला क्या, गिरेगी, खुलेगा तो तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं और अभी उतरने मतलब उतर रहे हैं। और देखिए पूरा बोगी खाली था, पूरे बोगी में बस हमें लोग भरे हुए थे। और फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आते होंगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे वीडियो पे ना बहुत कम ही लाइक आते हैं, इसलिए मतलब मन ही नहीं करता कि डालें। और देखिए मैंने मतलब बता दिया कि कहाँ आए हैं, यहाँ पे पूरा नेम दिख रहा है आप लोग को, अच्छे से मैंने दिखा दिया। तो यह हम लोग दिखाए हुए हैं और बहुत सारा एंजॉय करने वाले हैं। तो आप चोट लगवा दे
बताए बताए हम लोग को क्या प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा इनको साइड में आप रहिएगा बेटा आपके आपका ट्रॉली कहाँ चला गया आप नहीं जाओगे पीछे पीछे उन दोनों का देखिए ना बाबू गिर जाएगी और एक बात और बता दो कि बच्चे लोगों को लेके घूमना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि कोई बच्चा उधर भाग रहा था तो कोई बच्चा उधर भाग रहा था। टाइम हो रहा है कितना 10:30 पहुँचते पहुँचते 11 होगा होटल पहुँचते पहुँचते उसके बाद खाना खाते खाते 12 बजेगा सोते सोते 1 सोते सोते 1 बजे 2 बजे सामने टैक्सी लगी हुई है और सारा सामान मेरा एडजस्ट हो चुका है चलो जा दीदी के साथ जा चलो चलो ठीक से तो अभी हम लोग पहुँच चुके होटल में या मेरे हस्बैंड जिस बैंक में जॉब करते हैं उसी बैंक के तरफ से होटल था और ऐसे भी यहाँ पे जितना भी होटल मिलता है ना तो ज़्यादा उन लोगों का मतलब जो होता है रेंट नहीं होता है 1000, 1500, 500 ऐसे में ही आपको अच्छा सा होटल मिल जाएगा मतलब जैसा पैसा रहेगा वैसा होटल मिलेगा अगर आप बीच के जस्ट पास में होटल लेते हो तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाएगा नहीं तो ऐसे काफ़ी सस्ते में हो जाता है। और यह देखिए हमारा रूम है सब लोग अभी अपने अपने रूम में गए थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होने उसके बाद खाना खाएंगे तो अभी आपको फुल टूर करवाते हैं अपने रूम का आ जाओ तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने रूम में काफी रिलैक्स लग रहा है काफी अच्छा फील हो रहा है। ये है बाहर का बालकनी कल अच्छे से दिखेगा अभी तो पूरा अंधेरा हो रखा है अच्छा लग रहा है बेटा के पापा और बाकी लोग सारे गए हैं खाना लाने तब तक मैं जा रही हूँ यहाँ पे चादर वादर जो है चेंज कर देती हूँ मतलब चादर चेंज नहीं करना है एक्चुअली इसके ऊपर से बस डाल देना है यह मैट्रेस ही है बेडशीट नहीं है और यहाँ पे न्यू बेडशीट रखा हुआ है के पास का होटल और यहाँ का पानी पूरा खड़ा होता है तो मुंह में डालते ही ना ऐसा लग रहा है ना जैसे मैंने नमक से पूरा नमक का पानी मैंने पी लिया है बहुत ही ज़्यादा नमकीन था रियो को देखिए आते आते हम आंटी जी से सेवा कराने लगी और हम लोग का खाना भी यहाँ पे आ चुका है बट अभी खाने वाले नहीं है और अभी टाइम हो रहा है 11:15 मुझे बहुत जोर से भूख लग गई है पूरा पे कर दे पूरा निकाल दिए भूख से हालत खराब हो रहा है देखिए मेरे बेट का हालत सामने सामने बैठना है भाई को पता है
एक एक में दो आदमी, एक में दो आदमी है। ठीक देखिए अभी सारे लोग आ रहे हैं फ्रेश फ्रेश होके खाना खाने के लिए। रोटी काउंट हो रहा है भैया। कैसा लगा खाना? बहुत बढ़िया। रोटी कैसा? रोटी रोटी थोड़ा टाइट पूरा भर देना। हाँ भर दो पूरा। पानी लेकर बाबू तुमको भी पानी चाहिए? इस पे करे जलेगा नहीं ना? नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं पानी गर्म करके रख लूँगी क्योंकि रियो का दूध इसी गर्म पानी में बनता है। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर।